बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इंडियन वेयर पहनने में कंफर्टेबल हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके वार्डरोब में किस तरह के जो बॉटम वेयर्स होने चाहिए। मतलब अगर आप इंडियन वेयर पहनना काफ़ी प्रेफर करते हो तो आपके वार्डरोब में इस तरह के जो मैं आपको वीडियो के ड्यूरिंग बताऊंगी कि इस तरह के आपके पास बॉटम वेयर्स होने चाहिए, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, अगर आपने जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे। और अगर आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे भी रील्स वगैरह देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट जो बॉटम वेयर आपके वार्डरोब में होना चाहिए वो एक इस तरह का शरारा है, ये देख सकते हो, ये वाइट शरारा है। मैंने वाइट प्रेफर किया है क्योंकि वाइट है जो इजीली सब पे चल जाता है, जैसे ब्लैक, रेड वगैरह इन सब कलर्स पे आसानी से चल जाता है। तो वाइट मल्टीपर्पज़ यूज़ के हिसाब से मुझे वाइट अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने वाइट कलर का परचेज़ किया। अगर आप चाहो तो इसके वाइट के अलावा भी, जैसे जो ब्लैक आता है, ब्लैक भी सही है, सभी पर चल जाता है, और रेड वगैरह भी आप ले सकते हो, तो मैंने तो वाइट कलर का परचेज़ किया है। तो ये इस तरह का बिल्कुल बहुत सारा फ्लेयर आएगा इसके अंदर, शरारा के अंदर, ये देख सकते हो। तो ना, आप इस तरह का एक शरारा आपके ऑर्डर में होना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर जॉर्जेट कुर्ती या फिर जो वो राउंड वाली कुर्ती आती है उसके ऊपर पहनते हो तो आपका जो शरारा के साथ जो लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। और अगर आपके ज़्यादा बड़ी थाइज़ है तो आपके जो थाइज़ को भी कवर कर लेता है अगर आप शरारा पहनते हो, तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है। जो भी प्लस साइजेस गर्ल्स है उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये, कि ना आप शरारा पहनोगे तो आपके जो आराम से थाइज़ वगैरह कवर हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा यूज़ है उनके लिए। तो ये तो आप जो इस तरह के शरारास को जो चिकनकारी कुर्तीज़ होती हैं उन पर भी पैर करोगे तो भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। और आप किसी भी तरह की कुर्तीज़ होती है उन पर आप पेयर अप करोगे ना शरारा को, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और आजकल जो शरारा का ट्रेंड भी चल रहा है, तो मुझे लगता है शरारा तो आपके वार्डरोब में होना चाहिए। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह के से, बट मैंने जो वाइट प्रीफर करती हूँ मैं, कि ना वाइट तो होना ही चाहिए आपके पास। आप वाइट ले सकते हो और इसके अलावा आप कुछ और कलर्स भी ले सकते हो। तो मैं आपको जो फर्स्ट जो इंडियन बॉटम वेयर रिकमेंड करूँगी वो एक शरारा है, तो आप शरारा को ज़रूर अपने वार्डरोब में ऐड करिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो बॉटम वेयर मैं आपके वार्डरोब में ऐड करवाना चाहूँगी वो इस तरह के पैंट्स है, देख सकते हो। ये इस तरह के पैंट्स आएंगे, ये स्ट्रेट फिट पैंट्स बोलते हैं इनको, देख सकते हो नीचे से आप कुछ इस तरह के, ये देखिए। और यहाँ पे जो इस तरह का ये कट आएगा नीचे, जो काफ़ी स्मार्ट लुक देता है इसको, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपके वार्डरोब में इस तरह के पैंट्स होने चाहिए। आजकल जो वो एक सिगरेट पैंट्स का ट्रेंड भी चल रहा है, और जो जैसे अभी ये स्ट्रेट पैंट है, सिगरेट पैंट आती है, और आपको जो ट्राउजर्स मिल जाएंगे इसके अंदर और लेगिंग्स वगैरह ये आते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस तरह के भी ऐड कर सकते हो अपने वार्डरोब में। अगर आप अभी भी जो लेगिंग्स पहन रहे हो तो ना आप उसको मतलब बंद कर दीजिए। मतलब अब आजकल जो ज़्यादातर है जो पैंट्स वगैरह का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पैंट्स और जो ये ट्राउजर्स होते हैं वो आपके जो लुक को जो काफ़ी स्मार्ट लुक देते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लेगिंग्स का जो यूज़ कर रहे हो अब थोड़ा कम कर दीजिए। लेगिंग्स भी अच्छी लगती है, बट ज़्यादातर आजकल जो इस तरह के पैंट्स वगैरह ट्रेंडिंग है, तो आप उसको जो अपने जो वार्डरोब में शामिल करिए, ताकि आप जो अपने जो स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकते हो उसके साथ। तो ये तो कुछ इस तरह का है। और जो आप जो कभी ये इस तरह के पैंट्स या वगैरह ये लो, तो आप जो हमेशा जो मटेरियल अच्छा लो, जैसे ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, जींस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगता है मुझे पैंट, तो मैं आपको जींस से ज़्यादा ये रिकमेंड करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल मटेरियल का लिया है मैंने, ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया। अगर मेरे पास जो कुछ जो ये बॉटम वेयर्स है मैंने जो ऑनलाइन में परचेज़ किया है, तो मैं आपको जो उनका जो लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। तो ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया है। एक तो मैंने ये रेड कलर का ऐड किया है मेरे वार्डरोब में, क्योंकि रेड कलर भी आसानी से सब पे चल जाता है, तो एक तो रेड कलर का लिया है। देन ये सेकेंड वाला जो ये बॉटम वेयर है, ये भी पेंट में ही है, ये जो मैंने जो स्टिच करवाया था हमारे यहीं से, तो ये गोल्डन कलर में गोल्डन कलर में स्टिच करवाया है। तो ये कुछ इस तरह का, ये भी उसी तरीके का है, पीछे मैंने इलास्टिक लगवाया है इसके, देख सकते हो। और जो इसके भी नीचे इस तरह का कट लगवाया, और ये इस तरह के बटन से जो आपके लुक को जो काफ़ी स्मार्ट लुक
देता है, ऐसे पेंट्स होते हैं जो, तो आप इस तरह ये दो कलर्स होने चाहिए आपके पास, और एक बेज कलर भी चल रहा है आजकल, तो आप उसको भी अपने वार्डरोब में शामिल करिएगा। तो एक तो मैं आपको गोल्डन कलर और एक जो ये रेड कलर तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपके वार्डरोब में इस तरह के दो पेंट्स तो होने ही चाहिए। तो आप इनको जो एक बार ज़रूर लुकआउट करिएगा, ताकि आपके जो आप भी अपने, तो गाइस आप इस तरह के पैंट्स को जो चंदेरी सिल्क की कुर्तीज़ आती है, और या फिर जो पार्टी वेयर कुर्तीज़ होती है, उनके ऊपर आप इसको जो वेयर करोगे तो बहुत ही स्मार्ट लुक आता है आपका। और एक सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये पैंट्स का जो लुक आता है ना, स्ट्रेट कुर्तीज़ होती है ना आपकी, उसके ऊपर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अगर आप लेगिंग्स पहनोगे आज के जमाने में भी उस तरह के स्ट्रेट जो कुर्तीज़ उनके ऊपर, तो ना वो क्या ना साइड में शेप बनने लगते हैं किसी के, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी कि ना आप उनके ऊपर एक बार पैंट्स ट्राई करके देखिए, बहुत ही स्मार्ट लुक आएगा, और आप जो उसके अंदर यंग भी दिखोगे इस तरह का, जो आप लुक क्रिएट करोगे ना, तो उसके बाद आप यंग भी दिखोगे, और आप मुझे थैंक्स बोल के जाओगे कि आपने हमें बहुत ही अच्छी टिप दी है इसके लिए। सो आप एक बार जो अपने वार्डरोब में जो पैंट्स को ज़रूर ऐड करिएगा। सो गाइस थर्ड जो मैं आपको जो बॉटम वियर ऐड करवाना चाहूँगी आपके वार्डरोब में, वो एक स्कर्ट है। ये देख सकते हो एथनिक टाइप में स्कर्ट है ये। तो आप जो इस तरह के स्कर्ट्स है जो आपको अगर जो केजुअल लुक क्रिएट नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले शरारा और पैंट्स वगैरह बताया है, तो आपको अगर वो थोड़ा केजुअल वेयर में हो जाता है, अगर आप शादी पार्टी में जा रहे हो तो अगर थोड़ा केजुअल हो जाता है, और अगर आपको जो हेवी लहंगाज वगैरह पहनने का शौक नहीं है, तो आप ना मीडियम का रास्ता चुन सकते हो। जैसे ये स्कर्ट्स है, तो इस तरह के आप स्कर्ट्स लोगे, जैसे इसमें फॉयल प्रिंट हो रखी है और ये एथनिक वेयर में आ जाती है, तो जो काफ़ी अच्छा रहता है इसमें, इसको जो कैरी भी आसानी से कर सकते हो, और जो ज़्यादा हेवी भी नहीं लगती है ये, और ज़्यादा केजुअल भी नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे जो स्कर्ट्स का जो वो होता है, आउटफिट होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप इसके साथ जो इंडियन वेयर लुक भी क्रिएट कर सकते हो, और उसके साथ जो आप जो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मतलब कि इंडो वेस्टर्न लुक होता है, वो भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ आप जो कुर्तीज़ वेयर कर सकते हो, और जो क्रॉप टॉप वगैरह वो आते हैं, वो भी वेयर कर सकते हो, तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छा लुक जाता है इसका। तो आप इस तरह की स्कर्ट्स भी आपके पास होनी चाहिए एथनिक में और भी आती है, जैसे वो गुजराती पैटर्न में आती है, इनमें आती है। अगर आपको और भी मेरे अगर आपको चाहिए कि ना और भी किस तरह की स्कर्ट्स आपके जो वार्डरोब में होनी चाहिए, तो मैंने जो मेरे चैनल पर जो उसका वीडियो बनाया हुआ है, मेरे पास स्कर्ट्स का कलेक्शन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हो और भी किस तरह के आपके पास स्कर्ट्स होनी चाहिए। तो एक स्कर्ट्स तो आपके पास इस तरह की होनी चाहिए, तो आप ये भी आप अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हो इस तरह की। सो गाइस नेक्स्ट बॉटम वियर जो मैं आपको वार्डरोब में ऐड करवाना चाहूँगी, वो इस तरह की धोती पैंट है। ये देख सकते हो, एक सेकेंड, ये इस तरह की धोती पैंट्स है गाइस, ये देखिए। तो मैं चाहूँगा मतलब मैं रिकमेंड करूँगी कि ना आपके पास इस तरह की धोती पैंट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो ये पैंट्स वगैरह, ये स्कर्ट्स लहंगा वगैरह पहनना पसंद नहीं है आपको, तो आप जो इस तरह की धोती पैंट्स में जो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपको इंडियन वियर लुक के साथ साथ है, जो आपको वेस्टर्न वियर लुक भी देती है। क्योंकि अगर आप इसके साथ जो जैसे शॉर्ट कुर्तीज़ आती है वो पेयर अप करोगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, और इसके साथ जो आप टैंक टॉप विथ जो डेनिम जैकेट पेयर करोगे, फिर तो आप जो लुक बहुत ही प्यारा आएगा आपका, वो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा धोती के साथ टैंक टॉप विथ डेनिम जैकेट, तो उसका भी बहुत प्यारा लुक आता है। तो इस तरह के आप धोती में इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। धोती के ऊपर आप करोगे तो आपके पास जो कुछ वैसे कलर तो होने ही चाहिए, मेरे पास तो इस तरह का है, और एक ब्लैक कलर की धोती भी है मेरे पास। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो मैंने जो मेरे चैनल पर डाला हुआ है एक धोती को आप जो डिफरेंट वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हो आप, तो आप वो भी चेकआउट करना, आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से धोती को भी स्टाइल कर सकते हो। तो मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी। तो मेरे पास इस तरह की एक ब्लैक कलर की है, और एक पर्पल में कुछ कलर है ये, तो ये कुछ इस तरह का है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है धोती इसको पहनना, क्योंकि अच्छा वो जैसे पटियाला पजामे होते हैं उस तरीके से होता है, बट थोड़ा सा इसका जो लुक होता है वो थोड़ा डिफरेंट ही आता है। तो आप इस तरह के धोती पैंट्स ले सकते हो। और जो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप जो
आप अगर अपर वियर जो हैवी डाल रहे हो तो आपके जो धोतीज वगैरह जो भी नीचे का बॉटम वियर है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तो ये आपका लुक जो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप धोतीज वगैरह जैसे ये धोती है आप इसके अंदर हैवी वाली जो धोतीज वगैरह स्टिच करवाते हो या फिर लेते हो, तो आप जो ऊपर जो आपका अपर वियर है जैसे कुर्ताज है और या फिर शॉर्ट कुर्ताज है और या फिर जो भी टॉप वगैरह आपका जो थोड़ा लाइट वेटेड ही होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, तामझाम नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो आप इस तरह से अपना जो लुक बना सकते हो। जैसे हैवी और लाइट का लुक होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप दोनों हैवी पहन लोगे तो बिल्कुल बेकार लगोगे आप, तो ये ज़रूर आप नोट करिएगा कि आप किसी ना किसी चीज़ को जो लाइट ही रखे ताकि आपका जो लुक है जो अच्छे से मेंटेन हो सके। तो आप इस तरह के धोती पैंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपके पास एक धोती तो होनी चाहिए। गाइस इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो बॉटम वियर है वो एक ये पैंट्स है, प्लाजो पैंट्स है ये कुछ इस तरह के। मेरे पास ये चिकनकारी में भी है और प्लेन जो आता है उसमें भी है, जैसे यहाँ पे आपको वर्क नहीं मिलेगा उसको प्लेन बोलते हैं, तो वो इस तरह का भी है मेरे पास और प्लेन भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके पास जो प्लेन और चिकनकारीज या फिर कोई और भी वर्क आता है उसमें आपके पास होने चाहिए जो प्लाजोज होते हैं वो, क्योंकि अगर आप स्किनी लेग्स आपके तो इस तरह के प्लाजोज है वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो आपके जो ज़्यादा स्किनी लेग्स नहीं दिखेगी उस अगर आप इस तरह के प्लाजो पैंट्स वियर करोगे। तो मेरे पास ये इस तरह का है और जो मैंने इसको जो ऑनलाइन ही परचेज़ किया था तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो ये कुछ इस तरह का है और मेरे पास आपके पास एक दो कलर्स होने चाहिए, जैसे मैंने एक ब्लैक में लिया था और ये जो एक मैंने वाइट में लिया था, ये दोनों सेम ही है तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मैंने एक ही होल के बता रही हूँ मैं आपको। तो ये कुछ इस तरह का देख सकते हो, चिकनकारी वर्क वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको जो जैसे वो चिकनकारी कुर्तीज़ आती है उसके साथ पेयर अप करोगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और नॉर्मल जॉर्जेट कुर्तीज़ होती है उनके ऊपर भी आप पेयर करोगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह के जो प्लाजो पैंट्स पे भी इन्वेस्ट करोगे तो भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके लिए, तो आप इस तरह के जो प्लाजो पैंट्स को जो ज़रूर अपने वार्डरोब में ऐड करिएगा। सो गाइज आज के वीडियो में कुछ मैंने आपको जो मस्ट है वो बॉटम वियर्स बताए थे, मैंने आपको सजेशंस दिए, आप अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ एड ऑन कर सकते हो इनके अलावा। जैसे आपको अगर पैंट्स पहनना पसंद नहीं है तो आप लेगिंग्स भी पहन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो आजकल जो फैशन चल रहा है उस अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि पैंट्स होने चाहिए आपके पास। और जो आप जो इसके अंदर जो पटियालाज भी आप वियर कर सकते हो, जिस पटियालाज वियर कर सकते हो और जो वो पंजाबी पटियालाज आता है उस तरह के भी वियर करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा लुक आएगा। आपके जो इंडियन वियर है उसके लिए तो काफ़ी अच्छे है ये, तो आप कुछ इस तरह के ले सकते हो। मैंने आपको सजेशन दिए थे तो आप जो सजेशन ले सकते हो मेरे, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह के मेरे पास बॉटम वियर थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको जो आज का जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको जो आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने वार्डरोब में कुछ इनमें से जो मैंने सजेशन दिए उनमें से ऐड करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, थैंक यू। Thank you.